दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत आज से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले के साथ होगी और यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया था और वह मुकाबला टाई रहा था और ज्यादा बाउंड्री लगाने के कारण इंग्लैंड ने वह मैच अपने नाम किया था। और अब भारत में हो रही वर्ल्ड कप की शुरुआत भी इन दोनों टीमों के मुकाबले के साथ होगी। दोस्तों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर कुल 11 पिच है। इसमें काली और लाल दोनों मिट्टी की बनी पिच है। कुछ पिच पर तेज गेंदबाज को मदद है तो कुछ पर स्पिनर का कहर देखने को मिलता है। यहाँ ऐसे कुछ पिच है जिस पर काफी रन भी बनते हैं और इस मुकाबले में जिस पिच का इस्तेमाल होगा ऐसा माना जा रहा है कि उस पर काफी रन बनेंगे। और इंग्लैंड के पास वैसे भी विस्फोटक बल्लेबाजी है, हालांकि न्यूजीलैंड भी कम नहीं है क्योंकि टीम ने प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 346 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। वहीं दोस्तों पिछले महीने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 4 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी जिसमें न्यूजीलैंड ने पहले मैच को अपने नाम किया था लेकिन उसके बाद वह इंग्लैंड के सामने टिक नहीं पाई। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि विश्व कप में दोनों टीमों के बीच कुल 10 मैच हुए हैं जिनमें से दोनों टीम 5-5 मैच जीतने में सफल रही है। बाकी दोस्तों आज ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम बाजी मारती है और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो या कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।